सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें मुंबई के पास वसोई के बंगाली बाबहोल रोड की है। एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार काफी दूर तक घिसटता हुआ गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे बाइक रोड से गुजर रही है और बस का ड्राइवर सामने से बाइक को टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद भी बस रुकी नहीं। आसपास मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया। बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 2015 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। 2015 में सड़क हादसों में 1,46,133 लोग मारे गए। 2015 में औसतन हर रोज 1,374 सड़क हादसे हुए, जिनमें करीब 400 लोगों की मौत हुई। मई 2015 में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 14,000 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज्यादा सड़क हादसे ड्राइवर की गलती की वजह से हुए। 50 साल के बाइक सवार का नाम विलियम लोपेस है, जो वसई के मर्सस इलाके के रहने वाले हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस के एक प्रदर्शन में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाने पर पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में कांग्रेस ने उरी हमले के विरोध में रैली निकाली थी, लेकिन आरोप है कि उसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए गए। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। वहीं मुरादाबाद में राहुल गांधी की किसान यात्रा में शामिल कुछ गाड़ियों में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ भी की। कांग्रेस नेताओं ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने भी एक केस दर्ज किया है, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। कौन कौन लोगों ने किस मंशा के साथ कैसे कैसे किया, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है। जिस एक आदमी को आप जो है प्लेन से जाकर के हाईजैक उसमें छोड़ के आए थे, आज उसने हमारे 18 सैनिकों का कत्लेआम किया है। पुलिस व्हाट्सएप पर वायरल हुए मैसेज की जांच कर रही है। जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है उनमें से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा की तहरीर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है।